back to my channel and another blog also. सबसे पहले तो thank you so much कि आपने मेरे मनीमेश की सीरीज को इतना प्यार दिया और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको भी दिल से शुक्रिया. आज का कुछ ऐसा है कि मनीमेश से आने के बाद गाड़ी काफी गंदी हो गई है, वॉशिंग करवाने जा रहा हूँ. क्लासमेट है कि उसने आल्टो रखी हुई है, वो काफी अच्छी मोडिफिकेशन की हुई है उसने अपने टेस्ट के हिसाब से. सबसे पहले जा रहे हैं गाड़ी की वॉशिंग करवाने और सडनली मेरे को उसको फोन आया था, वो कह रहा है कि मैंने भी अपनी गाड़ी की वॉशिंग करवानी है. तो मैंने कहा यार एक साथ ही वॉशिंग करवा लेते हैं तो इसी दौरान तेरी गाड़ी का शूट भी हो जाएगा. आल्टो ऑनर है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो. कल को अगर वो मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी तो एक आइडिया लग जाएगा उनको कि इस टाइप की मॉडिफिकेशन वो अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं. एक ज़रूरी बात की यार, मेरी ये वीडियोज़ तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब कर दो. आपकी एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए, बड़ी मेहनत लगती है. तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते. ओके आ रही है हमारी बीस्ट, टास्क लग रही है ना. तो अभी इसकी वॉशिंग करवानी है और मैंने भी अपनी गाड़ी की वॉशिंग करवानी है. ओनली वन इन कठुआ जो कि बड़ी तासो मॉडिफिकेशन हो रखी है. बाकी मिलता हूँ आपको वॉशिंग पॉइंट में. गाड़ी जब वॉश हो जाएगी, नहा लेगी ना, तो और सुंदर लगेगी. सो गाड़ी हो रही है वॉश तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया. तो नया ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा व्यू आता है यहाँ पे. काफी लोग फोटो शूट करवाने आते हैं यहाँ पे, है ना, तो इसका थोड़ा व्यू बड़ा तगड़ा सा आता है. तो ये देख लो. अरे भाई रुक जा यार. अरे दूसरा भी रेस लगी हुई है, रेस. तो ये रेसिंग ट्रैक का भी काम कर देता है, देख लो. तो अभी आते हैं मुद्दे पे. तो गाड़ी हो गई है वॉश, आप ही बताओ कैसी लग रही है. क्यों, अरे एक नंबर यार, ये शूज बड़े तगड़े लगवाए हैं तूने. सो मिलवाता हूँ अपने फ्रेंड से, मेरे को आप जानते हैं अंकुश, ये मेरा फ्रेंड हनी, हम दोनों एक साथ ही पढ़े हैं स्कूल में. तो ये इसकी गाड़ी है, स्कूल टाइम ली हुई ना, तो देख लो लग रही है ये स्कूल के टाइम ली हुई है. मेंटेन कैसी रखी हुई है. तो सबसे पहले यार यही है एक खतरनाक वाली चीज, प्लाटी के लॉय. हनी कितने के पड़ गए ये लॉय? 34, 32. मतलब टायर बीच में ही है ना, इंक्लूड है. टायर और लॉय 32,000 के करीब पड़ गए. और ब्रिजस्टोन के टायर है 165/65 और R13. जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था K10 के बारे में, तो सेम प्रोफाइल है और अलॉय भी प्लाटी का. और ये समुराई लिप लगाई हुई है ना दासू. और ये रेड इंसर्ट्स किया हुआ है अनी ने. ये फ्रंट व्यू गाड़ी का. एक बात और बताना चाहूँगा कि ये ओनली वन इन कठुआ, क्योंकि मेरे को तो दिखी नहीं आज तक. अगर आपको भी दिखी है तो DM करना इंस्टाग्राम पे. और ये बैक साइड का व्यू है ना कमाल की. बाकी अभी लेके चलता हूँ आपको अंदर, अंदर का व्यू. ये नापा लेदरिंग करवाई हुई है हनी ने और ये स्क्रीन लगवाई हुई एंड्रॉइड है ना, ये एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड दोनों चल जाएगा इसमें. हनी डिक्की को खोलना यार. बेस भी लगवाई हुई है, बेस सोनी की है यार, एक्सप्लोर. हाँ देख लो. और ये सोनी के कंपनी फिटेड थे ना, चेंज नहीं करवाए थे. ठीक है, तो ऐसा कुछ व्यू है गाड़ी का. ये भी लगवाई है, ऐसे इसका भी चलान काट देते हैं, पता नहीं क्यों काटना नहीं चाहिए वैसे. तो ऐसा कुछ व्यू है इसका गाड़ी का. मेरे को तो एक नंबर लग रही है, आप बताना कैसी लग रही है ना. तो रास्ते में रुक रुक के भाई को परेशान करते हैं सारे, भाई कहाँ से मॉडिफाई करवाई. एक बात और, ये देख लो मेरे चैनल का नाम, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो. हाँ वन मोर नहीं लिखा हुआ, वो लिखवा दूंगा मैं. ठीक है. बाकी ये रूफ इतने ब्लैक करवाया हुआ है ना. तो जो भी कठुआ से मेरा भाई देख रहा है गाड़ी, तो अब रोकना मत भाई को यार,
रास्ते में है ना, तो वीडियो देख लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और पीछे से देखो कैसे बीस्ट लग रही है एकदम, है ना। और ओनली वन इन कठुआ इसलिए है कि आज तक बताना मेरे को कहीं देखा है स्टिकर को आपने है ना, ये अलग ही ये गाड़ी की पहचान है इसकी, ब्लू करवाए हुए हैं इसको इंडिकेटर्स, और ये प्राइसलेस मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी किया हुआ है दिल से किया हुआ भाई ने, अपने मन से। तो जो लोग पूछते हैं भाई कितने की देनी है, कितने की लेनी है, तो दिस कार इज़ नॉट फॉर सेल गाइज, तो गाड़ी और भी है भाई के पास, लेकिन ये दिल के करीब है उसके, तो ऐसा कुछ है, ठीक है ना। सो अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ हनी की, बड़ी देर बाद चलाने लगा हूँ, काफ़ी टाइम बाद मिला इससे। हनी मेरी गाड़ी चला रहा है और मैं हनी की, अरे अरे भाई 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 कॉपी राइड आ जाएगा। एक बार और 2011 या 12 के करीब मेरे पास भी आल्टो थी, ये तो नया मॉडल है, वो पुराना मॉडल था, उसके बाद मैंने K10 ली, तो एक नंबर लग रही है, भगवान शिव शंकर महाराज हमारे विराजमान है क्या बात है यार, सच में इसका फील है ना, जो आल्टो का फील आल्टो वाला ही समझ सकता है यार, है ना, कमाल यार, कमाल की लग रही है एकदम, दस सीरियसली एसी भी गाड़ी चला रहा हूँ, 800 cc आप कह नहीं सकते, मैं K10 का ऑनर हूँ, मैं K10 चलाता हूँ, है ना, लेकिन आप कह नहीं सकते कि ये गाड़ी एसी पे लोड ले रही है, कोई मतलब ही नहीं है, एक नंबर लग रही है। तो बाकी मेरा भी प्लान है लॉय अपडेट करवाने का, एज सच अभी इतनी जल्दी तो नहीं, बाकी आप सपोर्ट करो तो हो सकता है जल्दी डलवा लें, है ना। ऑल्टो का ऑनर हूँ और ऑल्टो K10 पे ही स्विच किया मैंने, तो मुबारक हो एक बात और कि ऑल्टो K10 रीलॉन्च हो गई है तो जो लेना चाहेगा वो ले सकता है, जल्द ही मैं उसका रिव्यू लेके आऊँगा, अभी कठुआ मोटर्स है जो हमारे मारुति सुजुकी, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है गाड़ी, ये तो रही बात की बात, बाकी हेड ड्रेस इसने उतार ली है, एकदम लंडी जी वाली फील दे रही है ना, तो कमाल की यार, सीरियसली कमाल की। मैं भी गाड़ी चलाने के मजे ले लेता हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और आपको पता ही है सब्सक्राइब तो आपने करना ही है ना, तो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद, जय हिंद। सो गाड़ी हो गई स्विच, अभी मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी में अभी हम जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने, बड़ी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो ये हमारा कठुआ का शहर, ये मंदिर बन रहा है माँ वैष्णो देवी का। ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, गाड़ी का व्यू मॉडिफिकेशन आल्टो का, आपको अच्छा लगे जो कि गाड़ियों वालों को अच्छा लगता ही है, तो प्लीज यार वीडियो देख लेते हो, ना लाइक भी कर दिया करो यार, एक लाइक है ना, एक बंदा वीडियो देख रहा है सबसे पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हुआ, उसके बाद मेरी वीडियो देखो यार। आई होप कि मेरी आप बाकी वीडियोस को भी ऐसा ही प्यार दो जैसे आप मनीमेश की वीडियोस को प्यार दे रहे हो, तो मैं आपके लिए ऐसे ही और बड़ी सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। बाकी आपको कुछ भी देखना हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई टॉपिक हो अगर आपके माइंड में कि यार अंकुश भाई हमें ये टॉपिक दिखाओ, है ना, इस गाड़ी का रिव्यू करो, तो आप मेरे को DM कर सकते हो सीधा Instagram पे, मैं ID मेंशन कर दूंगा अपनी, ठीक है।